वर्कशॉप था जिसका मेन वो सेल्फ डिफेंस एंड फिटनेस है। 3 दिन से हम लोग ये वर्कशॉप कर रहे हैं। फर्स्ट डे हम लोग को बॉक्सिंग पंच बॉक्सिंग सिखाया गया, सेकेंड डे बॉडी लैंग्वेज वगैरह सिखाया गया, किस तरीके हम लोग को सिचुएशन संभालना है जब कोई अटैक करता है कुछ करता है तो कैसे फेस करना है, पहले इग्नोर करना है, उसके बाद कैसे स्टेप वाइज हम लोग को सब कुछ सिखाया गया। पल्लवी मैं ठाव पंचायत हूँ। हमारा कैंप चल रहा है, बहुत मजा आया कैंप में। स्टार्टिंग फर्स्ट डे था, हमें वार्म अप स्टार्ट कराया सर ने, अच्छा था वार्म अप, क्या आया क्या ठीक है सब कुछ होगा। देन सर ने हमें लाइक प्रैक्टिस नहीं करवा रहे थे, वो मतलब मेंटली भी खुश है ना, क्या करना है इसमें, क्या समझ आ रहा है, क्या होता है एवरीथिंग, लाइक सेल्फ डिफेंस है क्या, उसके बारे में बताया हमें। अच्छा मेरा नाम ईशा गुप्ता, मैं ठाकुर कॉलेज के एंट्रेंस कॉलेज हूँ। सेल्फ डिफेंस जब हमें पता चला तो ऐसा लगा कि जस्ट अटैक करना है, दूसरों को मारना है, ये सेल्फ डिफेंस होता है। बट उन्होंने ये गलत सेटिंग दूर की, उन्होंने बताया कि सेल्फ डिफेंस का मतलब पहले सिचुएशन से निकलना है, उसके बाद हम देखेंगे कि अटैक करना है या नहीं करना है। गर्ल्स के लिए सेल्फ डिफेंस आजकल ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। उन्होंने बताया कि हर सिचुएशन से हम कैसे निकल सकते हैं, क्या कर सकते हैं और कैसे नहीं। अगर कोई भी सिचुएशन आ गई है बहुत टफ है तो उसका भी उन्होंने बताया है कि वो टफ सिचुएशन से हम कैसे निकल सकते हैं। ग्राउंड एंड पाउंड ने जो आरंभ किया है, एक संकल्प किया है कि 1,00,000 वुमेन्स तक ये सेल्फ डिफेंस और फिटनेस का ट्रेनिंग देंगे। इस घड़ी के लिए जो औरतों के लिए खुद की सुरक्षा करने के लिए जो ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी, ये ग्राउंड एंड पाउंड के बच्चे आपको देने वाले हैं। ठाकुर कॉलेज के बच्चों को इन 3 दिनों में उन्होंने बहुत अच्छी तरह से ट्रेनिंग दी है और मैं रिकमेंड करूंगा सभी से कि ग्राउंड एंड पाउंड जो ट्रेनिंग आपको देगा उसका लाभ।